स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, सुस्वागतम, खैर मकदम आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ तपस्या। आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट से जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए, 2019 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं के जी राजीव जी, आप रीजनल मैनेजर हैं वाटर एड इंडिया के, और विशेषकर उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे बीच हैं राकेश पांडे जी, आप श्रमिक भारती जो एनजीओ है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वाटर एड इंडिया के माध्यम से अगर बातचीत शुरू की जाए राजीव जी, तो पानी की जब बात आती है, खुले में शौच की जब हम बात करते हैं, वहाँ भी समस्या वही है, पानी की उपलब्धता। शौचालय बन जाए वहाँ भी पानी चाहिए, और पानी पीने के लिए भी हम कहते हैं कि स्वच्छ पानी आवश्यक है। तो आप वाटर एड के लिए काम कर रहे हैं, तो पानी की उपलब्धता जो है इसको लेके क्या प्रयास हो रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या पीने का पानी के लिए है जी। पानी का जो शुद्धता और पानी का जो मात्रा, ये दोनों बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, खास करके ग्रामीण इलाका में और अर्बन स्लम एरिया में। लोग ज़्यादातर हैंडपम्प में निर्भर हैं, जो बहुत कम बस गांव ऐसे है हमारे देश में और कम इलाका ऐसे है जहाँ पानी का जो पाइप टू वाटर का सप्लाई होता है जी। बाकी सारे जहाँ लोग हैंडपम्प के ऊपर और दूसरा अन्य सोर्स के ऊपर निर्भर है। सो उदस कर लोगों को हम इस तरह का सहयोग करता है, अपना जो पानी का जो स्रोत है उसको साफ सुथरा मेंटेन करें, जो उनका जो रेख रखाव का जो व्यवस्था हो, और उनका जो सोर्स है वो सोर्स का जो सस्टेनेबिलिटी को भी हमने ध्यान में रखे उसको मदद करता है। राकेश जी, जैसे कि राजीव जी ने बताया कि पानी के जो स्रोत हैं उसके आसपास साफ सफाई का, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि वही वहाँ तक तो प्रयास ठीक है, लेकिन जब घर पानी पहुँचता है तो जिस बर्तन में उसको आप संचित करते हैं या जिस तरह से उसका प्रयोग होता है, कभी पानी के गिलास में हाथ डाल दिया या जिसमें पानी रखा गया उसमें हाथ डाला, या फिर पानी के इस्तेमाल से पहले हाथ नहीं धोए गए, तो फिर वो ढक के तीन पात वाली बात है कि फिर वहीं पहुँच जाते हैं। तो उसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, हम लोग इस पे प्रयास करते हैं, घर के सारे सदस्यों के साथ बात करते हैं, और विशेष रूप से डंडीदार लोटा या टोटीदार बर्तन के इस्तेमाल की बात करते हैं, और विशेष रूप से स्कूलों में हम लोग कार्यक्रम करते हैं बच्चों के साथ जिसमें इस तरह की बात की जाती है। तो स्कूलों में किस तरह की कोशिश रहती है, कैसे आप समझाते हैं? स्कूलों में एक तो हैंड वॉश पे, हाथ धोने पर विशेष रूप से हम लोग कार्यक्रम करते हैं जी। और हाथ कैसे धोएं, कब कब धोएं, ये सिखाते हैं बच्चों को। हम जब स्रोतों की बात करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि जहाँ पानी के स्रोत होते हैं, एक तो वैसे ही कम है बहुत जगहों में, और जहाँ है उसके आसपास ही लोग खुले में शौच के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ फिर समस्या और बढ़ जाती है, विशेषकर वर्षा ऋतु की जब बात आती है। तो उसके लिए आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितना ये उनके लिए नुकसानदेह है? देखिए, इसके बारे में लोगों के साथ मिलकर उनको समझाना पड़ता है। खास करके क्या होता है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, हैंडपम्प उसको लगता है हैंडपम्प पूरा सुरक्षित है, उसके आसपास का गंदा पानी जो आसपास लोग खुले में शौच करता है उनका हैंडपम्प का स्रोत तक नहीं पहुंचते, वो उनका विश्वास है, उसको समझाना पड़ता है किस तरह से आपका पानी आपका हैंडपम्प को प्रदूषित करता है और उस पानी की वजह से आपको अपना घर में अपना अपना स्वास्थ्य में क्या असर पड़ता है, तो उसको समझाना ही पड़ता है। लेकिन राकेश जी, हमने ये भी देखा है कि बच्चे अगर देखें, जिनको हम बचपन से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, कि हाथ धोना जो है उसकी प्रक्रिया है जो उनको इस्तेमाल में लानी चाहिए, लेकिन पानी जैसा कि हम जानते हैं उसकी जल की उपलब्धता धीरे धीरे घट रही है, तो उसका समन्वय जो कहना चाहिए मितव्ययता से जो उसका प्रयोग है वो भी समझना जरूरी है, उसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कुछ? हाँ, इस पर बच्चों को भी करते हैं और साथ साथ बाकी भी गांव में या बस्तियों में करते हैं जी। ये भी बात करते हैं कि हैंडपंप के आसपास अगर साफ रखना है तो वहाँ पर सोखता गड्ढा होना चाहिए। अच्छा। जिसमें जो भी वहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है वो उसमें जाएगा, तो आसपास गंदगी भी नहीं होगी और इस्तेमाल से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब उसमें सूख जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं राकेश जी और राजीव जी से, और समझने का ये जो हमारा प्रयास यही है कि हम उत्तर भारत में जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कानपुर उसके आसपास के क्षेत्रों की, तो वहाँ किस तरह के काम किए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि वाकई लोग समझ रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना, और वहाँ पर देखते हैं कि लोग साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर कितना समझ रहे हैं, कितना क्रियान्वयन में ला रहे हैं, और क्या उनकी आगे की कोशिश है।
एक ऐसा गांव जहां सभी लोग साक्षर हैं और सभी के घरों में शौचालय की उचित व्यवस्था है। एक ऐसा गांव जहां न तो शराब का उत्पादन होता है और न ही कोई मदिरा पान करता है। एक ऐसा गांव जहां ज्यादातर महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और समृद्धि हर ओर है। ये सपनीली कहानी है वारंगल जिले के अंतर्गत आने वाले गांव गंगदेवपल्ली की। इस गांव की गिनती आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे साफ सुथरे और आदर्श ग्राम के रूप में होती है। लंबे समय से सामूहिक तौर पर किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए इस गांव ने अपनी बेहतरीन पहचान बनाई है। ऐसा नहीं है कि यहां समस्याएं नहीं थी, पहले यहां भी खुले में शौच की परेशानी थी। सरकार और ग्रामीणों के प्रयासों से अब यहां हर घर में शौचालय बन गए हैं और गंदगी का तो कहीं नामो निशा नहीं नजर आता। My village achieved usage of 100% toilets in 2000 itself. हमारे यहाँ सभी के घर में शौचालय हैं। यहाँ खुले में शौच के कारण होने वाली बीमारियों से भी लोग कोसों दूर हैं। 2007 में हमारे गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिला है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 गांवों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिला है, उसमें हमारा गाँव भी एक था। स्वच्छ जल की आपूर्ति कुछ समय पहले तक यहाँ बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस दिशा में की गई कोशिशों ने अपना रंग दिखाया। अब साफ पानी की समस्या खत्म हो गई है। बीस लीटर स्वच्छ जल महज 1 रुपए में यहां मुहैया कराया जा रहा है। यहां पानी की गंभीर समस्या थी। हमने एक प्रारूप बनाया और लगातार प्रयास करने से हमें सफलता भी मिली। हमने कुछ नियम भी बनाए हैं। पानी का नल जमीन से 4 फीट ऊंचा होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन होने पर हम पानी का कनेक्शन काट देते हैं। यहाँ सुबह 6 से 11 बजे तक पानी की सप्लाई की जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी सफलता यही है कि पूरे गांव में कहीं भी बेतरतीब ढंग से यहाँ वहाँ बिखरा कचरा नजर नहीं आता है। गलियाँ साफ हैं और सड़क स्वच्छता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। संपूर्ण साक्षरता के क्या लाभ हो सकते हैं वो यहाँ साफ तौर पर देखने को मिलता है। बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय हैं तो बड़े लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग केंद्र की सुविधा है। पढ़ाई लिखाई का ही असर है कि ये गांव नशा मुक्त ग्राम भी है। गांव को स्वच्छ और बेहतर बनाने की दिशा में पंचायत ने कुछ अनूठी पहल भी की है। यहाँ सभी के घरों में केबल कनेक्शन मुफ्त में मुहैया कराया गया है। इसके सहारे वो सरकारी योजनाओं के साथ साथ लाभप्रद जानकारियों का फायदा उठाकर अपने परिवार और गांव के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकें। यहां समय समय पर बैठकें कर गांव के माहौल को बेहतर बनाए रखने पर भी चर्चा की जाती है। There are 22 committees that are working. यहाँ 22 बस्तियाँ एकता के सूत्र में बंधकर गांव के विकास में योगदान दे रही हैं। हम समय समय पर बैठकों का आयोजन कर गांव की प्रगति पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके इस गांव को और कामयाबी दिलाना हमारी प्राथमिकता है। इस गांव को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस गांव की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहां की कामयाबी पर शोध करने देश विदेश से लोग आते हैं। उम्मीद है कि देश के अन्य गांव भी गंगदेवपल्ली से प्रेरित होकर आने वाले समय में स्वच्छता के क्षेत्र में उदाहरण स्थापित करेंगे।
प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। माँ, मुझे जोर से लगी है। बेटा जा, कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है। मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। अरे क्या बड़ी बात है। बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमने देखा कि लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं और आप अपनी आदतों में भी शुमार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे बात कर रहे हैं कानपुर, उसके आसपास के क्षेत्रों की। तो राजीव जी, आपने इससे संबंधित एक फिल्म भी तैयार की है जी, उसका क्या उद्देश्य है वो जरा बताइए। देखिए, हमने पिछले कुछ सालों से कुछ एक बस्ती में काम कर रहे थे। वो राखी मंडी इतने बड़ा बस्ती है, उधर लगभग 3,500 लोग रहता है, 750 परिवार उसमें रहता है। उस जब हमने काम करना शुरू किया था, वो पूरा बस्ती में केवल 4 ही परिवार के पास शौचालय था। अच्छा। पूरा बस्ती 8 हैंडपंप के ऊपर निर्भर था। जो बाकी कुछ हैंडपंप थे वो पूरा फंक्शनल नहीं था। उस जहाँ से हमने जो परिवर्तन, जब गाँव में, जो बस्ती में काम करने शुरू करने के बाद उस परिवर्तन गाँव में चेंज हुआ, जो बस्ती में चेंज हुआ, जो ये चेंज को नब लोगों के सामने रखना चाहते थे। क्योंकि जब जागरूकता हो, उनका समस्या को एक समाधान उन्हीं के द्वारा निकल के आता है तो कितने बेहतर होता है, उसको बारे में हम लोगों को कहना था। जो कहा जाता है कि कहना सरल है, समझाना वाकई मुश्किल है। जब बात होती है बिहेवियर चेंज की तो लोगों की आदतों को बदलना इतना सरल नहीं है। आप चूंकि एनजीओ के माध्यम से लोगों से मिलते हैं, किस तरह की चुनौतियां रहती हैं, कैसे समझाते हैं आप उनको? हम लोग उनके साथ बैठ करके उनको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं और इसमें एक विशेष प्रक्रिया है जिसको समुदाय आधारित स्वच्छता की प्रक्रिया कहते हैं, CLTS अंग्रेजी में कहते हैं, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, जिसमें लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है कि उनका मल और उनका भोजन कैसे आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। अच्छा। और इस प्रक्रिया में वो समझते हैं कि वो अगर सुरक्षित उनके मल का निपटान नहीं हो रहा है तो वो वापस उनके मुंह में पहुंच रहा है। ये उनको समझाने की कोशिश की जाती है। उससे फिर एकदम से उनको एहसास होता है कि वो गलत कर रहे हैं और उनको सुधार करना चाहिए जी। इसमें एक पक्ष और सामने आता है कि जब हम टॉयलेट की बात करते हैं, शौचालयों की, तो उसमें जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैं, दोनों के एंगल से अगर बात की जाए तो उनकी मेंटेनेंस, वहाँ की क्लीनिनेस, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी लोगों को आप समझाते हैं कि शौचालय आपको पक्का निर्माण करके दे दिया गया, उसकी साफ सफाई, रख रखाव भी ज़रूरी है जी। जहाँ तक घरेलू शौचालयों का सवाल है, वो लोग खुद साफ रखते हैं। अच्छा। उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सामुदायिक शौचालय की बात आती है तब हर कोई चाहता है कि हम वहाँ पर शौच तो करके आए लेकिन सफाई कोई और करेगा। तो इस मानसिकता को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। इस पे हम लोग बात करते हैं कि आप कम से कम शौच करने के बाद पानी डाल के साफ करके आइए ताकि दूसरे को साफ मिले। ठीक बात है, है ना। जो सफाई कर्मी है वो तो दिन में एक बार या दो बार करेगा, लेकिन हर यूजर जो है वो अगर पानी डालता रहे, साफ करता रहे, तो फिर चीज़ें ठीक रहें। तो जैसा कि बात हो रही है राकेश जी से, राजीव जी से, और उत्तर भारत में हम उत्तर प्रदेश में कानपुर और उसके आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ये पूरे भारतवर्ष में क्रियान्वयन में है और हमारी कोशिश यही है कि पूरे भारत को हमें स्वच्छ करना है। इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं पंजाब और वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि किस तरह से लोग इस मिशन को समझ रहे हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं और अपने जीवन में इसे ला रहे हैं। स्वच्छ भारत, एक सपना सुंदर भारत का। इस कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन की टीम पहुंची जिला फिरोजपुर के कस्बे जीरा में। इस अभियान के तहत शहरों और गांवों में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, आइए इस बारे में जानकारी हासिल करें। हम जीरा शहर में रहने वाले लोग हैं
और यहाँ मैं समझता हूँ कि पहले से लोगों में काफ़ी जागृति आई है। जीरा जिला फिरोजपुर के इस छोटे से कस्बे में साफ सफाई का प्रबंध देखते ही बनता है। गली गली से कूड़ा उठाने का व्यापक प्रबंध किया गया है। घर घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए संबंधित कर्मचारी हर गली व नुक्कड़ में सीटी बजाकर लोगों को सूचित करते हैं कि वह घर में एकत्रित किया गया कूड़ा घर से बाहर लाएं, ताकि कर्मचारी कूड़ा एक जगह एकत्र कर ले जा सके। इस तरह से पूरे कस्बे में गंदगी ना फैले, इसका ध्यान प्रशासन और स्थानीय लोग भी रख रहे हैं। कस्बा जीरा में जो गलियां टूटी हैं उनकी मुरम्मत का कार्य भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। इस छोटे से कस्बे का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। इसके द्वारा गंदे पानी को साफ कर कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहक गुजरा, जो कि जीरा कस्बा से महज कुछ ही दूर पर स्थित है, दूरदर्शन की टीम ने इस गांव के सरकारी स्कूल का दौरा किया और यह जाना कि साफ सफाई को ध्यान में रखते क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि साफ सफाई की बात की जाए तो बच्चों को इसके प्रति यहाँ के सरकारी स्कूलों में जागरूक किया जाता है। यदि भारत अभियान को सफल बनाना है तो इसकी शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी सुंदर व साफ वातावरण में सांस ले सके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे स्कूल में अध्यापकों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है, और अगर कोई इधर उधर कूड़ा करकट जैसे कि कोई कागज या रैपर आदि फेंकता है तो हम उसे पहले तो प्यार से कहते हैं, अगर वो नहीं मानता तो हम खुद वह कूड़ा करकट जैसे कि रैपर या कागज आदि उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। बहक गुजरा के इस सरकारी स्कूल में बच्चों को हाथों को साफ रखने से लेकर साफ सफाई के हर पहलू पर बारीकी से जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रख सके। स्कूल में इस अभियान को मन से लागू किया है, जिसके तहत बच्चे डस्टबिन को कैसे यूज करना है, अलग अलग कूड़ा करकट को कैसे निपटारण करना है, और हमारे स्कूल अध्यापक सुबह जो सभा होती है उसमें भी बच्चों को साफ सफाई के बारे में और स्वच्छ रहने के और हाइजेनिक रहने के तरीके बता रहे हैं, जिसका हमारे स्कूल को हमारे समाज को बहुत लाभ पहुँच रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अभियान को सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत नहीं, हम अपनी रोजाना की जिंदगी में आदत बनाएं, और बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है जिसके तहत बच्चों में बहुत सुधार आया, और आगे भी हमें उम्मीद है कि बच्चे इसको अपना करके अपनी जिंदगी में स्वच्छ जिंदगी जीने के लिए जो चलेंगे और समाज में जो स्वच्छता का जो नारा दिया है उसको हम परिपूर्ण कर पाएं। इस पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों का प्रबंध किया गया है।
इस पाठशाला का वातावरण और सफाई देखते ही बनता है। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये तो रहा पंजाब का उदाहरण, जहां पर लोग स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अब स्वच्छता और शुचिता के महत्व को समझने लगे हैं। राजीव जी, हम भारत में कहीं की भी बात करें, आप जैसे कानपुर का जिक्र हुआ, तेलंगाना की बात हुई, पंजाब की बात हुई, पूरे भारतवर्ष में हम कहीं भी देखें, घर की सफाई समझ में आता है। अब आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अपने आसपास भी साफ सफाई रख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है अस्पतालों की, जब बात आती है स्टेशंस की, तो वहाँ वही हमें लगता है कि समस्या वहीं की वहीं है, बस स्टैंड हो कुछ हो, कि वहाँ की जिम्मेदारी हमें लगता है हमारी नहीं है। ये जो मानसिकता है, इसको बदलने के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये सारे इस तरह का एक माहौल पूरा देश में बनाना बहुत जरूरी है। जो जब एक माहौल बन जाता है, लोगों को इसके बारे में समझ में आता है। अभी क्या होता है, जब लोगों को केवल एक अपना घर का साफ सफाई के बारे में जानता है, जब बाहर जाते हैं तो वो उस तरह का कोई फैसिलिटीज नहीं देख रहे, कूड़ादान कहीं दिखाई नहीं देते उसको, उसको हाथ धोलने के लिए नहीं व्यवस्था नहीं है, जहाँ आप उसको पब्लिक शौचालय देगा तो ये नहीं है। आप कोई इंस्टीट्यूट में भी जाइए, कोई हॉस्पिटल में जाइए, आप देखेंगे उधर का भी शौचालय गंदा पड़ा रहता है। तो इसका एक माहौल बनने, जो यूजर्स है, जो पब्लिक का जो मेंटालिटी है, उसमें एटीट्यूड में काफ़ी चेंजेस आना जरूरी है। नहीं तो इस तरह का इंस्टीट्यूशन में जो शौचालय है, वो यूज़ के बाद कोई उसमें ध्यान नहीं रखता है, अपना उसको जो यूज शौचालय प्रयोग करने का, जो सुविधाएं प्रयोग करने का, उसके बारे में काफ़ी जानकारी होना चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी की यहाँ पर बात है राकेश जी, आपसे बस थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि अब कुल मिला के हम अगर देखते हैं जिस तरह का परिदृश्य हमारे सामने है, उसमें महिलाओं का पक्ष अपनी जगह है, बुजुर्गों का अपनी जगह है, बच्चों का अपनी जगह है, लेकिन समग्र रूप में अब दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, अगर आपको पूरे परिवार को कोई संदेश देना है, चाहे वो बात हो कूड़े के निपटारे की, चाहे बात हो खुले में शौच की, चाहे बात हो पीने के पानी की और हाथ धोने की, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हम सबको सीखना होगा और बच्चों को सिखाना होगा, बुजुर्गों को भी ध्यान देना होगा। जो कहीं भी हम कुछ भी कूड़ा फेंक देते हैं, इन आदतों को बदलना होगा। अगर गांव में नालियां भी बनी हैं तो नाली में लोग कूड़ा डाल देते हैं, तो इस तरह की जो आदतें हैं उनको बदलना होगा और तभी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये सामुदायिक मुद्दा है, ये पूरी बस्ती के स्तर का मुद्दा है, पूरे गांव के स्तर का मुद्दा है। तो हमको कूड़े का निपटान अपने घर से निकाला और बाहर डाल दिया, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो के जी राजीव जी और राकेश पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको ये बता दें कि अगले हफ्ते भी हमारे दोनों खास मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी। वाटर एट इंडिया की जैसा कि बात हो रही है, एक जो फिल्म तैयार हुई है जिसमें राधा और उसकी बेटी के माध्यम से सब तक ये संदेश पहुँचाने का प्रयास किया गया है कि स्वच्छ भारत जब हम कहते हैं तो ये मिशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन चलने से पहले आपको कार्यक्रम का पता बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेस 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, sb@ddkdelhi.org.in।
और आपको ये भी याद दिला दें कि अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम फिर दोबारा भी देख सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अब हमारा कार्यक्रम आप देखेंगे अगले मंगलवार को, जो हमारी बातचीत है वो जारी रहेगी, लेकिन कल यानी बुधवार को सुबह 9 बजे स्वच्छ भारत कार्यक्रम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा DD नेशनल पर। फिलहाल के लिए नमस्कार।